आज का सेशन छोटी छोटी बट मोटी बातों में, हर बार एक नया छोटा सा टॉपिक लेके आते हैं, वो किसी बच्चे पर, किसी स्टूडेंट पर या वन टू वन इंटरेक्शन पे कोई ना कोई सजेस्ट करता है, उसकी डिमांड पर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग चुनते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो आज भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कैसे निकालें, उसके लिए शॉर्टकट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिससे कि आप अप्लाई कर पाएँ और सहज तरीके से क्वेश्चंस को लगा पाएँ। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परफेक्ट स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप बिल्कुल फाइन तरीके से देखेंगे, हम सारे टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे। आप लास्ट तक ध्यान दें और बिल्कुल माइनूटली इस पर ध्यान देंगे। आपके सामने तीन टाइप की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को कंसीडर किया है। इन तीन टाइप की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जब हम सॉल्व करेंगे, अगर आप ये सीख लेते हैं तो कोई किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने आएगी तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आप लास्ट तक इन तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को पेशेंसली जिस तरीके से बताते हैं, सारे स्टेप्स को आप ध्यान देंगे, क्योंकि यही सारी कोर और बेसिक आधार फंडामेंटल मेथड होंगे। सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने आपके सामने कंसीडर की है, तीनों में एक मानक हमने लगाया है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को ध्यान दें तो हमने हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट्स को यहाँ पे नेगेटिव लिया है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट्स को 1 लिया है और यहाँ हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को 2 लिया है। तो कहने का मतलब, ऐसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के हाईएस्ट डिग्री टर्म पॉजिटिव होंगे, कहीं कहीं हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट्स 1 होंगे और कहीं पर ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट नेगेटिव हों। जनरली ज़्यादातर हम लोग कंसीडर करते हैं तो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट्स 1 रहते हैं, तो हम लोग ध्यान नहीं देते। जब क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन में आते हैं तो किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के हाईएस्ट डिग्री टर्म हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, बारी बारी से देखते हैं। जब हमने एक्सप्रेशंस को इस तरीके से कंसिडर किया है तो कोफिशेंट ऑफ एक्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ध्यान देंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स 3 है, इस 3 को लिया, कोफिशेंट ऑफ एक्स लिखा है 3 लिया, 3 का हाफ किया, 3 का हाफ किया 3/2 हुआ, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे 9/4 हुआ। अभी तक कुछ नहीं किया, केवल एक्स का कोफिशेंट, उसका हाफ, हाफ का स्क्वायर, जब कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो सबसे पहले कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, आप उसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये पहले वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह ही हो जाएगी। अगेन वही सारी प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे, फिर भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्स का कोफिशेंट 5/2 है, हाफ किया 5/4, स्क्वायर किया 25/16। आगे क्या करेंगे अभी बताएंगे, थोड़ा सा वेट करें। पहले हम आपके दिमाग में या माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि आपको एक्स का कोफिशिएंट पकड़ना है, उसका आधा करना है, उसका स्क्वायर करना है, और ये सारे टाइप में। कहने का मतलब, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपने क्या किया, उस -3 को कॉमन लिया, फिर अगेन वही स्टेप सारे रिपीट किए। इतनी बात इतना से आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को मैंने ब्लॉक में किया है, जैसे कि 9/4, 20/16 और 1/9। आप देखेंगे पहले वाले स्टेप में हमने जो सबसे लास्ट में वैल्यू निकाली थी, हाफ करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, सबसे लास्ट में जो तीन वैल्यूज़ यहाँ पे थी, अब इनके साथ क्या करने वाले, ध्यान दें, -3x² +2x +9/4 -3 -9/4। ध्यान दें क्या किया, जो ये वैल्यू 1/9 आई है उसको एक बार ऐड करेंगे और उसी को एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। ऐड करते वक्त जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पूरा है उसी को उसके साथ 1/9 ऐड करेंगे और बाद में 1/9 कर देंगे। आगे इसको देखते हैं, यहाँ पर कंसीडर करना है तो एक्स स्क्वायर +3x +9/4 यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर ही नहीं, आगे जाके जो कांस्टेंट है उसके बाद में सबट्रैक्ट किया, जो लिया है वही दे दिया, तो मैनेज हो गया। तो इस तरीके से ऐड और सबट्रैक्ट करना है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट में देखते हैं दोबारा फिर से, जो कॉमन लिया था वो कॉमन केवल दिखाने के लिए लिया था,
कि हाफ करना है स्क्वायर करना है, वो केवल कॉमन इसलिए लिया था। जो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसी में 25 बाय 16 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओरिजिनल इक्वेशन जो हम एक्सप्रेशन जो हमने कंसीडर की थी माइनस 4 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 बाय 16। थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि सारे स्टेप्स को बिल्कुल फाइन तरीके से आप ध्यान देंगे। जहाँ पर हमने कॉमन लिया था, यहाँ कॉमन लिया था, उसको दोबारा कंसीडर नहीं किया है। कॉमन लेते वक्त केवल हमें क्या x का कोफिशियंट पकड़ना था, उसका आधा करना था, उसका स्क्वायर करना था, इसलिए कॉमन लिया। बट जब वो ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनिशियल जो हमारी एक्सप्रेशन ओरिजिनल दी गई है वहीं पर हमने दिखाया कि ऐड किया है, और ऐड कहाँ किया है इस एक्सप्रेशन के साथ और सब्ट्रैक्ट इस एक्सप्रेशन के साथ। बार बार बता रहे कि बच्चों को जब हम सामने भी बताते हैं तो वो बात पकड़ नहीं पाते हैं, तो जब हम आपको वीडियोस में बता रहे हैं तो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। ये वीडियो एक बार ही होगा और सारे क्वेश्चंस लगने चाहिए। तो ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज को हमने यहाँ पे दर्शाया है उनका क्या करने वाले हैं आगे देखते हैं। जो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशंस दी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, तो यहाँ पर क्या किया, जो वैल्यू हमारी 9/4 थी, 9/4 थी, उसको हमने यहाँ पर ऐड किया इस एक्सप्रेशन के साथ, 9/4 ऐड किया। फिर आगे जो कॉन्स्टेंट दिया गया था उसके बाद 9/4 को सेपरेट कर दिया। इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे आप बिल्कुल बेसिक हो में हैं तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको और आगे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 3/2 इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बेसिकली किस तरीके से किया गया, अगर आप बिल्कुल उसमें भी कन्फ्यूज़ हैं परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दें। ये x प्लस 3 का x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/4, तो 16 माइनस 9/4 7/4 आ जाएगा। तो लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन इस तरीके से चेंज हो गई। मुझे लगता है कि इतना स्टेप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस वाली एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले हमने दो कॉमन ले लिया, कितना 2 कॉमन लिया गया था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x, इसके बाद हमने जो वैल्यू निकाली है 25/16 उसको ऐड किया, और यहाँ पे 4 की जगह -2 आ गया था तो -25/16 कर दिया गया। ठीक, अब इसको ध्यान देंगे इस पूरे स्टेप को, तो वही कहानी फिर से रिपीट होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब है 5/4 का होल स्क्वायर, अब इसका 2ab करेंगे तो 2 × 5/4 × x, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, तो यहाँ पर x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल 57/16 आ जाएगा। वापस आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 का देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया, आगे जाके वहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं दिख रहा है कि 16 को क्या लिख दिया गया 8, तो हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरीके से चेंज हो गई, ये वाली फाइनल यहाँ पे आई। इस बात को ध्यान दें किस तरीके से किया गया, आप उसको ध्यान दें। आगे नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, इस वाली एक्सप्रेशन को देखें, जो वैल्यू हमने बाद में निकाली थी 1/9, उसको हम लोग देख रहे हैं, पहले -3 बताया गया कि कॉमन ले लिया गया था, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2/3x, और इस वाली वैल्यू को एक बार जोड़ा, और यहाँ पर जो -1 बचा था उसमें इस वाली वैल्यू को ऐड कर दिया। हाँ, थोड़ा सा करेक्ट कर लें, देखिए -3 जब कॉमन लेंगे तो पिछले स्टेप में देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस था, ओके प्लस कर दिया, ये ऐड करना ये सेपरेट करना ये पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पे -3, और ये देखिए वही स्टेप फिर से रिपीट हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला बन रहा था, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला, तो यहां पर x माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए थोड़ा अपडेट हो जाएगा, नाइन से वन गया तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का नाइन से एक गया तो एट आएगा, तो एट बाई नाइन। वापस दोबारा फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टेप थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, और वापस यहाँ पे जाएगा तो माइनस एट बाई थ्री। ये आपके सामने फाइनल एक्सप्रेशन कन्वर्ट हुई। तीनों एक्सप्रेशंस को देखा, कहीं पर भी आपको समस्या आए अब बैक करिए, दोबारा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम में भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे हेजिटेशन की वजह से कर नहीं पाते हैं या करते नहीं हैं, शुरुआत नहीं करते हैं, तो सारे स्टेप्स को फाइन तरीके से अच्छे तरीके से आप देख लें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, वो हमने सीख लिया है। अब हमारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, आगे बढ़ते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे तरीके से चलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना ही सीखेंगे। ठीक, जो पहले शुरुआत में तीन एग्जांपल्स कंसीडर किए थे, अगर उनके आंसर्स आप निकाल लेते हैं या लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम आंसर निकाल पाते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। उससे पहले कुछ ट्रिक्स और कुछ चीज़ें हम लोग कंसीडर करेंगे, एग्जाम्पल को बिल्कुल लास्ट में कंक्लूड करेंगे और ट्रिक्स उससे पहले लेंगे। ट्रिक्स के आधारित जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वहाँ डायरेक्ट जो एग्जाम्पल है उनमें कुछ भी एफर्ट नहीं मारेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अगर ऐसा होता है तो ट्रिक्स हमारी कारगर है, यहाँ पर कंक्लूजन में ये निकल के आएगा। ठीक, जो अभी एग्जाम्पल्स लिए थे वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किए हैं, इनके आंसर्स निकालेंगे कॉन्सेप्ट के बेस्ड आधारित कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यहाँ पे तीन टाइप के एक्सप्रेशंस को परफेक्ट स्क्वायर में लिखा गया है। कैसे लिखा गया इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या लिखा गया इस पर ध्यान देते हैं। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, ये टाइप क्यों लिखा गया है इसको देखते हैं। टाइप वन में ध्यान दें तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फाइव, टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पर x प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू। यहाँ पर एक बात दिखाने की कोशिश की गई है जो यहाँ से थोड़ा अंतर है, यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको ध्यान नहीं देना है। आप परफेक्ट स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जो भी लिए गए हैं उनके साइन प्लस है, कहने का मतलब उनके आगे पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो भी परफेक्ट स्क्वायर में लिए गए हैं उनके साइन आगे क्या है, माइनस है। तो आपको ध्यान देना है कि टाइप वन में सारे वो सारे एक्सप्रेशंस जिनमें परफेक्ट स्क्वायर में जो लिखा गया है उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है। कॉन्स्टेंट भले ही पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उससे मतलब नहीं है। टाइप टू में क्या है कि सारे एक्सप्रेशंस के जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो कैसे है, निगेटिव है। कॉन्स्टेंट की वैल्यू निगेटिव है पॉजिटिव है उससे मतलब नहीं है। और टाइप थ्री में जो भी हमने एक्सप्रेशंस को परफेक्ट स्क्वायर में लिखा है वहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर में आ गया है। तो तीन टाइप के एक्सप्रेशंस आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, इसी कैटेगरी में टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। दुनिया की कोई एक्सप्रेशंस हो तीन टाइप में ही डिवाइड की गई हैं। तीनों टाइप के अगर आंसर्स निकाल लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है कि एक आई कहाँ से, तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे करना नहीं सिखा रहे। कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज एग्जाम्पल जैसे कि हमने कंसीडर की है, आप भी कोई परफेक्ट स्क्वायर इस टाइप की लेके आते हैं, हमने यहाँ कंसीडर किए हैं, अगर इनके आंसर डायरेक्टली अगर निकाल पाते हैं तो आप कोई भी अगर एक्सप्रेशन लेते हैं तो इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप उनके भी आंसर निकाल ले जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें, कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर को देख के निकालते हैं वो तय करने वाले हैं। ठीक, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जब भी समझते हैं तो स्टूडेंट इनिशियली कंफ्यूज रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फनी सा एग्जांपल, मगर आप इस एग्जांपल के सहारे जब भी आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो एक एग्जांपल बहुत आपको हेल्प करेगा। सपोज़ यहाँ पे हमने दिखाए हैं कि दो टू पर्सन्स हैं, एक पर्सन गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी पर मंथ 35,000 के करीब है, और उसका एक भाई है
वो बिजनेसमैन है, दोनों करते क्या हैं, अपनी पूरी सैलरी पेरेंट्स को दे देते हैं। बिजनेसमैन की सैलरी फिक्स नहीं है और गवर्नमेंट जो जॉब कर रहा उसका भाई उसकी सैलरी फिक्स है। दोनों जब पूरा पूरा सैलरी अपने पेरेंट्स को देते हैं तो मंथली अगर एक मंथ की या कोई मंथली प्लानिंग करते हैं तो पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्टेशन है अपने इन दोनों बच्चों से कि कितना वो देंगे। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स हमेशा ये एश्योर रहेंगे कि कम से कम उनके पास 35,000 तो मिलेगा ही, क्योंकि बिजनेसमैन कितना करता है ये भी नहीं पता है, बट कम से कम 35,000 उनके पास आएगा। ये मिनिमम हुआ, ये क्या हुआ, मिनिमम हुआ। कहने का मतलब ये कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव है उसके साथ, तो ये इसकी सैलरी का हिस्से को बढ़ा ही रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो 35K होगी। कहने का मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35K, क्योंकि 35K में 1000K मतलब 1000 में ये बिजनेसमैन कुछ ना कुछ बढ़ाएगा, तो हमेशा 35,000 से ज़्यादा ही मिलेगा। आम भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास 100 या 100 से अधिक पैसे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कम से कम हमारे पास 100 हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब भी हम ग्रेटर देन बताते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई कि 35 से ज़्यादा या बराबर, तो 35 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ये बात ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, a। ये ध्यान रखें इस एक्सप्रेशन से। शुरुआत में प्राइमरी लेवल पर ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू होती है तो मिनिमम वैल्यू निकाल पाते हैं, मैक्सिमम कितनी होगी नहीं बता पाएंगे। आगे का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सेम सिचुएशन है। यहां पर वो टीचर है, उसकी सैलरी वही है, फिक्स सैलरी है, और ये बिजनेसमैन थोड़ा सा निगेटिविटी में आ गया, ये दारू पीने लगा या ड्रंकर हो गया, तो अब क्या करेगा कि अब कमाना नहीं, शुरू जो कमा रहा था वो कमाना उसने बंद कर दिया। तो अब जो भी पेरेंट्स से ये भी लेता है और ये देता है, तो अब पेरेंट्स के पास 35,000 या उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमेशा लेता रहेगा। तो अब मैक्सिमम जब 35,000 उसके पास उनके पेरेंट्स के पास आएंगे तो वो मैक्सिमम हो गए, क्योंकि ये कभी ना कभी या हर मंथ उनसे लेता ही है, जो उसने नहीं लिए होंगे तब मैक्सिमम इनके पास पहुँचेंगे। तो ये अब क्या होगा, 35,000 से इनके पास हमेशा कम या बराबर पहुंचेगा, तो ये मैक्सिमम होगा। तो इस केस में अगर ये नेगेटिव नेचर इसका है, इसके साथ ये कांस्टेंट के साथ नेगेटिव नेचर है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। दोनों एग्जांपल को ध्यान रखेंगे। वेरिएबल का पॉजिटिव नेचर, बिजनेसमैन एक वेरिएबल है, उसका पॉजिटिव नेचर मिनिमम वैल्यू एश्योर करेगा, और वेरिएबल का नेगेटिव नेचर मैक्सिमम वैल्यू एश्योर करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये वेरिएबल है। कभी भी किसी वेरिएबल का स्क्वायर होता, परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब ही था कि स्क्वायर से वैल्यू पॉजिटिव या जीरो होती है। तो ये पॉजिटिव है, इसका नेचर पॉजिटिव है इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो जैसे ही नेचर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है, जो ये कॉन्स्टेंट 5, यही वैल्यू क्या है मिनिमम। यहाँ पर भी देखिए क्या है, पॉजिटिव है इस कॉन्स्टेंट के साथ, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेचर होना क्या है, मिनिमम वैल्यू तय करता है। तो यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2। यहाँ पर भी इस कांस्टेंट के साथ ये पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ भी हो, ये क्या हो गया, अब आप जान गए होंगे मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर देखें इस एक्सप्रेशन में परफेक्ट स्क्वायर का साइन कैसा है, निगेटिव। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर या वेरिएबल जो निगेटिव हो जाते हैं वो उसको मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोल देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। यहाँ पर भी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका साइन कैसा है, नेगेटिव। तो कांस्टेंट के साथ इसका नेगेटिव होना क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, -5। तो अगर आप अपने एग्जांपल्स को, जो 3 एग्जांपल्स कंसीडर किए गए हैं, वहाँ पर अगर ध्यान देंगे, जहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव है वहाँ पर मिनिमम आंसर आएगा, और जहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर निगेटिव है वहाँ मैक्सिमम आएगा। मतलब जो कॉन्स्टेंट है वही कांस्टेंट वैल्यूज ही जो परफेक्ट स्क्वायर के बाहर लिखी गई हैं, अलग से लिखी गई, वही मैक्सिमम बनेगी या मिनिमम बनेगी। एक बार अपने आप से आंसर टैली कर लीजिए, एक बार आंसर लिख लीजिए, फिर मैं टैली कराता हूँ, और वाकई में वो आंसर्स निकल के आए तो आप मिनिमम और मैक्सिमम
वैल्यू निकालने के आप एक्सपर्ट हो गए, इससे ज़्यादा फाइन कोई तरीका हो नहीं सकता है। अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे होंगे तो आपको पहले तो लगा होगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, बट हमने जो कंक्लूड किया है उससे आपको लगा होगा कि अब कहीं पर भी आप आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, टाइप थ्री को देख लेते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर पूरा पूरा चला गया तो अब यहाँ पर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर के बाद जो भी कॉन्स्टेंट, वो जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो ये इसको बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो मैक्सिमम कहाँ ले जाएगा पता नहीं है। अब ये इसके साथ कॉन्स्टेंट तो जीरो है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इस केस में हम मिनिमम वैल्यू निकाल पाए, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके साथ कॉन्स्टेंट जीरो ऐड था, तो यहाँ पर ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू जीरो मिलती है। ठीक, सबसे पहले जो एग्जाम्पल कंसिडर किए थे, बारी बारी से उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर रत्ती भर कन्फ्यूजन नहीं है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। परफेक्ट स्क्वायर लिखने के बाद हमने बताया था कि कॉन्स्टेंट के बाद जो हमारा वेरिएबल है, जो पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, उसका साइन देखेंगे। अगर वो निगेटिव है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कॉन्स्टेंट है विद साइन -8/3। परफेक्ट स्क्वायर यानी जो वेरिएबल है वो अगर पॉजिटिव हुआ, यानी साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगी, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 7/4। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पता कर पाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछता है तो इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू माइनस, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -8/3, और मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। यहाँ पर ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो जो कॉन्स्टेंट बचा वो कॉन्स्टेंट क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू माइनस विद साइन -57/8। तो एक बार में हमने टैली कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हमेशा इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक कंक्लूड करते हैं कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा है, तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा से ज़्यादा, तो लैम्डा से हमेशा ज़्यादा रहेगी, तो लैम्डा ही इसका क्या होगा? मिनिमम। यहाँ पर वाई लेस देन इक्वल टू टी है, टी से छोटा या टी के बराबर, तो टी से हमेशा छोटा होगा, तो बराबर जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। कहने का मतलब देखिए, मैक्सिमम ऐसे नेचर में हमेशा यहाँ से छोटे के लिए जा रहे हैं, यहाँ से छोटा तो यहाँ मैक्सिमम है टॉप पे, और मिनिमम के लिए यहाँ से बड़ा तो जो बॉटम है वही क्या है इसका? मिनिमम। तो यहाँ से बड़ा है तो बॉटम पकड़ पा रहे हैं, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी 100 से ज़्यादा, तो 100 हमारा बॉटम है तो ये मिनिमम हुई, और 100 से कम तो 100 हमारा क्या है? टॉप है, तो ये क्या हुई? मैक्सिमम। तो जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ जुड़ती है तो उसको बढ़ाती है, तो जहाँ से उसने बढ़ाना शुरू किया वही उसकी मिनिमम हो गई, और कोई पॉजिटिव चीज़ घटती है तो उसको घटाती है, तो जहाँ से घटना शुरू हुआ वो उसका मैक्सिमम हुआ। बातों को आप कंक्लूड करिए, सारी बातों को जोड़िए, क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस अगर लग रहे हैं, आसानी से मैच खा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखिए, नहीं लग पा रहे हैं तो भी लिखिए। छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें अगर आपको सही लगती हैं, आपको लगता है कि जब हमें टॉपिक लेके आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, इस टाइप के टॉपिक्स की डिमांड आप रखना चाहते हैं, तो आप रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके के मैसेज करते हैं, कमेंट्स के थ्रू मैसेज करते हैं कि छोटे सी टॉपिक्स को किया जाए, तो हमारे दिमाग में वो आइडिया आता है, तो इससे हमें भी हेल्प मिलती है, हम आपको वो उस टाइप के टॉपिक्स, उस टाइप के कॉन्सेप्ट दे पाते हैं। तो बहुत से छोटे छोटे शॉर्टकट वाले टॉपिक है, आप वहाँ लिखिए, कमेंट के थ्रू लिखिए, हम इस सेक्शन में उन टॉपिक्स को लेके आएंगे। या फिर जो रूटीन वाले टॉपिक हमारी जो सीरीज चल रही है उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक बीच में डिमांड में है आप बताएंगे, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में, स्ट्रिक्ट के फॉर्म में इस सेक्शन में डालेंगे, जिससे कि आपकी समस्या भी खत्म हो जाएगी, आपको कुछ हेल्प भी मिलेगी, एक अच्छा वे मिलेगा। या आप कमेंट करते हैं तो कोई ना कोई आइडिया हमें मिलता है, आइडिया आप देना है, आपको देना है, विजन हमें देना है, परसेप्शन आपको हमें देना है, तो दोनों तरीके से आप आइडिया दीजिए, हम आपको विजन देते हैं, दोनों तरीके से मारुला क्लासेस चलती रहेगी, तो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे। थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।